Hi guys, welcome to back. Today we'll start NCERT class 6 chapter 2, latitudes and longitudes. अक्षांश और देशांतर रेखाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। हम सभी जानते हैं जैसे कि पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, स्फीयर नहीं है। ये ध्रुवीय पर ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, पोल्स पर ये चपटी है, पूरी तरह से गोल नहीं है। और पृथ्वी इन पोल्स पर ही चारों तरफ घूमती है, जो कि 24 घंटे में अपनी अक्ष पर, अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। और पृथ्वी के यहाँ बीचों बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिसे हम कहते हैं इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, पूरी तरह से जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो ये हाफ, वन हाफ का जो है, इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये आपका हुआ साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, ये वाला नॉर्थ हिस्सा है और ये साउथ वाला। अब ठीक ऐसे इसी तरह इस पर ये समान पैरेलल्स होते हैं। भूमध्य रेखा जो होती है ये 0 डिग्री पर होती है। और जैसे ही जैसे हम नॉर्थ साइड में बढ़े जाएं या फिर साउथ साइड में, जो नंबर ऑफ डिग्री है ये सेम वैसे ही इंक्रीज होती जाएगी, 20, 40, 80। और ठीक वैसे ही जब यहाँ नॉर्थ पोल पर पहुंचेंगे तो ये डिस्क्राइब करता है 90 डिग्री के लिए। यानी भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की जो दूरी होगी वो कितनी होती है, 1/4 ऑफ अ सर्किल या फिर 360, 1/4 ऑफ अ सर्किल, यानी 360 डिग्री का जो एंगल होता है उसका 1/4 डिस्टेंस होती है नॉर्थ पोल से लेकर भूमध्य रेखा की दूरी। या फिर इसको हम कह सकते हैं सीधे लफ्जों में 90 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा से नॉर्थ पोल की दूरी 90 डिग्री होती है, चाहे नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो, दोनों की दूरी 90 डिग्री रहती है। इसमें पैरेलल्स के जो पैरेलल्स का जो साइज है इनका, वो धीरे धीरे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़े या साउथ पोल की तरफ, वो धीरे धीरे घटता रहता है इसका साइज। अब इसके दो चीजें हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, एक एन और एस। 20 डिग्री हम भूमध्य रेखा से अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे वहां भी हमें 20 डिग्री देखने को मिल जाएगा, 20, 30, 40, सेम जो काउंटिंग है वो साउथ पोल पर भी मिलेगी। तो दोनों को डिफेंस करने के लिए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एन और एस दो वर्ड्स का यूज किया जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, जैसे कि चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, चंद्रपुरा इन महाराष्ट्र, और दूसरा आपका एक बेल हॉरिजॉन्टे, ये ब्राजील नॉर्थ अमेरिका में है, और ये आपका महाराष्ट्र
इंडिया में दोनों ही 20 डिग्री पर हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये नॉर्थ 20 डिग्री नॉर्थ पर लोकेशन पर है और ये जो है आपका 20 डिग्री साउथ लोकेशन पर होगा। दोस्तों इसके साथ ही अभी मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स बताते हूँ लैटिट्यूड्स के। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूँ आपको जो इनकी जो दूरी है वो आसानी से समझने के लिए, जिसके एक कोई भी हम एंगल बनाते हैं 180 डिग्री, तो एक सर्कल हाफ सर्कल जो होता है वो 180 डिग्री का है और फुल सर्कल जो है वो 360 डिग्री का हो जाता है। इसी सर्कल को हम पृथ्वी की तरह ग्लोब मानकर आसानी से समझें कि यहाँ अगर इसको ये इक्वेटर है तो जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल कहाँ होगा टॉप साइड पर होगा यहाँ पर और साउथ पोल दोनों पोल्स होंगे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डिग्री इंक्रीज होगी यहाँ से और यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पर जीरो डिग्री होगी, तो 20, 30, 40 बढ़ते हुए जैसे हम यहाँ टॉप पर पहुँचेंगे तो पोल पर तो ये पोल 90 डिग्री होगा और ये इसके साथ 90 डिग्री का डिस्टेंस होगी इसकी, यानी जो भूमध्य रेखा है यहाँ से इसकी दूरी 90 डिग्री। ठीक वैसे अगर हम साउथ पोल की तरह चलेंगे तो सेम 90 डिग्री डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगी इसकी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टैरल्स के नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं कर्क रेखा, इसके जो दूरी है भूमध्य रेखा से इक्वेटर से इसकी दूरी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ध्यान दें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भूमध्य रेखा से इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये साउथ में है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसे मकर रेखा कहते हैं, ये 23.5 डिग्री साउथ पर है, ये भी 23.5 डिग्री है, ये भी 23.5 डिग्री है, लेकिन ये नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ में है इक्वेटर से। इसके अलावा अर्कटिक सर्किल, अर्कटिक सर्किल जो है वो आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ है, इसे कह सकते हैं अर्कटिक सर्किल को, मतलब अर्कटिक वृत्त, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। और दूसरा था अट्रैक्टिव सर्किल, अट्रैक्टिव सर्किल जो है ये भी 66.5 डिग्री है, लेकिन ये साउथ में है अंटार्कटिक वृत्त। ये 66.5 डिग्री साउथ में है, जबकि जो है आर्कटिक सर्कल जो है वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं
पोल्स से इसके। और ये है भूमध्य रेखा। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने की ये है दोस्तों कि मैंने यहां बताया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है 23.5 degree नॉर्थ है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा ये भी 23.5 degree साउथ है। इसके अलावा मैंने आपको बताया अट्रैक्टिव सर्किल, अट्रैक्टिव ब्रथ ये है 66.5 degree, और ये अंटार्कटिक ब्रथ 66.5 degree साउथ। अब इसमें ध्यान देने वाली ये चीज है कि जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है इसमें वो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा और कर्क रेखा, इन दो रेखाओं के बीच में जितने भी पैरेलल्स आते हैं उन सब पैरेलल्स पर सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं पूरे साल में एक ना एक बार सीधी किरणें पड़ेंगी, और सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है वो इन दोनों के बीच ही रहता है, कर्क रेखा और मकर रेखा। जैसे जैसे मकर कर्क रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे या फिर मकर रेखा से साउथ की तरफ आएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो घटता रहेगा, वो एक जैसा समान टेम्परेचर नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब हम कर्क रेखा से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी नहीं पहुंच पाती, जो तिरछी पहुंचती हैं, और जब वो तिरछी पहुंचती हैं तो टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है। ठीक वैसे ही मकर रेखा से जब साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही कि जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं पहुंच पाती जबकि वो तिरछी पहुंचती हैं, और जब वो तिरछी पहुंचती हैं तो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। और यहाँ तक कि जब सबसे हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर पहुंचते हैं, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल पर, तो वहां पूरे साल बर्फ जमी रहती है और सर्दी जो टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा कम रहता है नॉर्थ और साउथ पोल पर। गाइस तीन तरह के जोन हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। टॉरिड जोन और टेम्परेट जोन और थर्ड वन आता है फ्रीज जोन। टॉरिड जोन कौन सा होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के बीच जो आपका ये ठहरा ये होता है टॉरिड जोन। इसे टॉरिड जोन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां जो है वो टेम्परेचर पूरे साल सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहता है, भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक और भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा रहता है, इसलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। इसके अलावा कर्क रेखा से और आपका ये कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल तक, कर्क रेखा से आर्कटिक सर्कल तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल तक, ये जो टेम्परेचर दो जोन है ये इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां का टेम्परेचर जो है वो बदलता रहता है, कभी मौसम ठंडा हो जाएगा और कभी गर्म हो जाएगा। तो आपका जो कर्क रेखा से लेकर आपका अंटार्कटिक सर्कल तक और मकर रेखा से अंटार्कटिक सर्कल, इन दोनों के बीच का जो जोन बस है इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है, कभी सर्दी और कभी गर्मी। इसके अलावा रहता है फ्रीज जोन, जो आपका नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल पर आपका अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल जो है इसको बोलते हैं फ्रीज जोन, क्योंकि यहाँ जो है पूरे साल बर्फ रहती है, बर्फ से ज़्यादा बर्फ जो सर्कल जो है बर्फ से ढके रहते हैं, यहाँ पूरे साल बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो गाइज ये थे तीन तरह के जोन जो मैंने आपको बताए।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो गाइस जो अगर आप अपनी राय कुछ देना चाहते हैं, आप कुछ समझना चाहते हैं, तो आप कमेंट के रूप में जरूर हमें बताइएगा। जो गाइस हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।